Good morning, children. Today we are going to read chapter number 4, class 6, Key Elements of a Democratic Government. In the last chapter, we have read about government. हमने government के बारे में पढ़ा था, types of government के बारे में पढ़ा था. In this chapter, we are going to read key elements of a democratic government. In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, equality and justice. So, इस चैप्टर के अंदर हम लोग लोकतंत्र सरकार की कुछ की फैक्टर्स को, कुछ की एलिमेंट्स को, वर्किंग को पढ़ेंगे, जिसके अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन, क्या उन्होंने जो लड़ाइयाँ करी थी, स्ट्रगल की है फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस न्याय के लिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So, you can see here, South Africa is a country that has people of several races. This is South Africa, एक ऐसा देश है जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, वो वहाँ पे रहते हैं. There are black people who belong to South Africa. कहते वहाँ पे काले रंग के लोग हैं जो उससे belong करते हैं, South Africa से. और जो white रंग के लोग हैं, मतलब जो गोरे वहाँ पे रहते हैं, white who came there to settle. जो वहाँ पे लोग आए settle होने के लिए, and Indians who came as laborers and traders. और इंडिया वहाँ पे इंडियन जो थे भारतीय वहाँ पे आए laborers और traders के रूप में, ठीक है, मतलब गुलाम या traders means व्यापारी के रूप में वहाँ पे आए. Maya Naidoo, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. ये तो एक Maya Naidoo नाम की लड़की है, 11 साल की लड़की है, South African, वो एक Johannesburg गांव है, एक वहाँ पे रहती है. Was helping her mother clear up her old boxes. पुराने घर के जो boxes थे उनको साफ सफाई करती हुई उसकी अपनी मम्मी की मदद कर रही है वो. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. उसको एक scrapbook मिलती है जो पूरी pictures से और newspaper के articles से भरी होती है. There were many pictures of young schoolboy of around 15 years of age. कहते बहुत सारी उसमें pictures थी जवान लड़के की, जो एक 15 साल का बच्चा था, उसकी बहुत सारी स्कूल बॉय की, एक छोटे से स्कूल बॉय की बहुत सारी थी पिक्चर्स थी उसके अंदर, 15 साल का वो लड़का था, उसकी पिक्चर्स थी. When she asked her mother who the boy was, जब अपनी मम्मा से पूछते कि लड़का कौन है, she was told that he was called Hector Naidoo. Nadlow, सॉरी Nadlow. So उसकी मम्मा उसको बताते हैं कि वो लड़का इसका नाम है Hector Nadlow. He had been shot by the police. इतने उसको गोली मार दी गई थी पुलिस के द्वारा. Maya was shocked. Maya को बहुत झटका लगा. Why? She asked. उसने पूछा क्यों? उसको गोली क्यों मार दी गई थी? Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. कहते पहले क्या था? जो South Africa country थी, उसके अंदर कुछ ऐसे कानून थे जो धर्म जाति के ये बनाए गए थे. सो एपार्थाइड का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, लोगों का अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, उनको अलग अलग धर्म के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके रखना. इस तरीके से वो गवर्नमेंट जो थी चल रही थी वहां पे, कहां, साउथ अफ्रीका के अंदर, ओके, एपार्थाइड गवर्नमेंट थी वहां पे. सो साउथ अफ्रीका अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर रेसेस. सो साउथ अफ्रीकन के जो लोग थे उनको कहते कितने हिस्सों में बांट रखा था वहां पे, ग्रुप्स में बांट रखा था, व्हाइट, ब्लैक, कलर्ड एंड इंडियन जातियों में, ठीक है, इस तरीके से लोगों को बांट रखा था. सो अकॉर्डिंग टू द लॉ दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद ईच अदर. तो इन लोगों को बोला गया था कि आप लोगों ने मिक्स नहीं होना, एक दूसरे के त्योहारों में मिलना मिलना नहीं है बिल्कुल. टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज, एक दूसरे के पास आप लोगों ने नहीं रहना है और ना ही जो कॉमन फैसिलिटीज है लाइक एक दूसरे के जो वेल्स होते हैं या फिर एक दूसरे के कपड़े, एक दूसरे की चीजों को आप लोगों ने यूज नहीं करना है. जो कॉमन फैसिलिटीज जैसे पार्क सेम दी होती है, रेस्टोरेंट्स हैं, एक दूसरे के नहीं जाना है आप लोगों ने कॉमन प्लेसेस के, गुरुद्वारा टेम्पल जो भी उनके थे, मंदिर मस्जिद जहाँ पे वो मानते थे वहाँ पे नहीं जाना, उनकी कॉमन फैसिलिटीज के नहीं यूज करना. माया कुड नॉट बिलीव हर इयर्स. माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ. माया मदर साउंडेड एंग्री व्हेन शी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड. कहते हैं कि बड़े गुस्से में उसकी मम्मी बोल रहे थे, बता रहे थे जब वो जो लाइफ थी अपार्थाइड गवर्नमेंट के अंदर उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे वो. शी टोल्ड माया, उन्होंने माया को बताया दैट इन दोज डेज, उन दिनों में व्हाइट्स जो गोरे लोग थे वो बोलते थे, हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर गोइंग पोस्ट टू लर्न देयर लैंग्वेज. सो कहते कि जो
हेक्टर और जो दूसरे स्कूल के बच्चे थे उनको जबरदस्ती कहा जाता था कि आप लोग वही लैंग्वेज बोलो जो कोरे बोलते हैं, दैट दे वांटेड टू लर्न देयर ऑन लैंग्वेज, बट क्या चाहते थे, अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, जिसका कौन सी लैंग्वेज थी वहाँ की, जुलू, ठीक है, जो जुलू नाम की एक लैंग्वेज थी कहते, वो सीखना चाहते थे, उनकी भाषा अपनी जो थी, बट उनको जबरदस्ती उनकी गोरों की भाषा जो थी अंग्रेजी वो सिखाई जाती थी। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली, जो कहते हैं साउथ अफ्रीकन की जो पुलिस थी उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से उन प्रोटेस्टर्स को, उन बच्चों को जिन्होंने इसका विरोध किया था, उनको बहुत बुरी तरीके से मर्सिलेसली मतलब पूरे तरीके से पिटाई कर दी, एंड शॉट एट द क्राउड, और भीड़ के ऊपर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वन ऑफ देयर बुलेट्स, एक उनकी जो गोली थी, किल्ड हेक्टर, हेक्टर को मार दिया उसने। दिस वाज ऑन 30th अप्रैल 1976, कब की बात है, 30 अप्रैल 1976 की ये बात है, घटना है। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कौन थी, जिन्होंने देश की वहां पे इस अपार्थाइड गवर्नमेंट के खिलाफ जो था स्ट्रगल की थी, एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला, तो उनका बहुत ही बड़ा एक जो लीडर थे नेल्सन मंडेला, फॉट द अपार्थाइड सिस्टम फॉर सेवरल इयर्स, उन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ बहुत साल तक इधर जो थी लड़ाई करी, फाइनली ये सक्सेसफुल, फाइनली अंत में उनको जीत मिली, एंड 1994 साउथ अफ्रीका जो था एक डेमोक्रेटिक देश बन गया, एंड जिसके अंदर अब सारे धर्मों के लोग जो थे वो बराबर थे। So, क्या लिखा हुआ देखो, हॉस्पिटल्स वर सेपरेटेड, हॉस्पिटल्स वर सेपरेट एंड सो वर एम्बुलेंसेस। सो मम्मी इसको बता रहे थे यहाँ पे, जैसे कि शी टोल्ड माया दैट इन दोस डेज, उन दिनों में जो हॉस्पिटल्स थे वो अलग होते थे, एम्बुलेंसेस अलग होती थी गोरों के लिए, कालों के लिए, इंडियंस के लिए, कलर लोगों के लिए, क्या थी अलग अलग सब चीजें थी। एम्बुलेंस मेंट फॉर व्हाइट पीपल, कहते एम्बुलेंस जो थी वो व्हाइट जो गोरे लोग थे उनके लिए होती थी, एंड शुड वेल अच्छे तरीके से उसके अंदर इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, व्हाइल वन मेंट फॉर ब्लैक पीपल वाज नॉट, बट जो काले लोग थे वहाँ पे काले रंग के लोग उनके लिए सब चीजें नहीं थी। There were separate trains and buses, अलग अलग trains, अलग अलग buses थी, even the bus stops were different from black and white people, so काले गोरे लोगों के अंदर इतना भेदभाव था कि उनके bus stops जो services थी ये भी सब चीजें अलग अलग थी। Non white people, whites were not allowed to vote, कहते थे जो non whites मतलब जो सिर्फ गोरे लोग उनको वोट डालने का हक था, जो बाकी लोग होते थे colored Indians या black उनको कोई भी वोट डालने का हक नहीं होता था वहाँ पर। The best land in the country was reserved for the white people. तो जहाँ पे देश के अंदर जो सबसे अच्छी लैंड होती थी फर्टाइल बहुत ही खूबसूरत किसको दी जाती थी, वाइट लोगों को दी जाती थी, एंड द वर्स्ट लैंड जो थी जो अच्छी लैंड नहीं थी वो किसको दी जाती थी, काले रंग के लोगों को दी जाती थी। दस ब्लैक एंड कलर इस तरीके से लोगों को उनको इक्वल बराबर जो था नहीं माना जाता था। वन ब्लैक टाउनशिप वॉज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप और सुवेटो, सो एक कहते काले रंग के जो लोग थे वहां पे रहते थे उनका एक बताया गया है कि इस नाम की जगह पे रहते थे वो, सुवेटो नाम की जगह पे, सो वेस्टर्न टाउनशिप था वो। हेक्टर नडलोवा लिव्ड हियर, हेक्टर नडलोवा जो था वहां पे रहता था, ही एंड हिज क्लासमेट जॉइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेजेस, सो इन स्कूल जो कहते थे कि वो चाहते थे कि अफ्रीकन लैंग्वेज जो है हम लोग सीखना चाहते हैं अपने स्कूल के अंदर, इसलिए उन्होंने इस प्रोटेस्ट के खिलाफ जो था मतलब जो लोग इनके साथ जुड़े थे लोगों के साथ जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, दिस वॉज अ लैंग्वेज दैट कहते वो लैंग्वेज दैट द वाइट स्कूल के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके लैंग्वेज के खिलाफ लड़ रहे थे जो अंग्रेज बोला करते थे वहाँ पे, जो वाइट लोग थे वो बोला करते थे। हेक्टर एंड द अदर स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड, हेक्टर दूसरे बच्चों को जबरदस्ती बोला जाता था कि आप वो लैंग्वेज है बोलो, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ऑन लैंग्वेज, वो अपनी लैंग्वेज सीखना चाहते थे, इसका नाम क्या था, जुलू। साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर्स मर्सिलेसली, सो साउथ अफ्रीकन के लोगों ने क्या किया, उस पुलिस ने क्या किया, बहुत ज्यादा उनको पिटाई कर दी, एंड शॉट एट द क्राउड, और क्राउड के ऊपर क्या कर दिया, भीड़ के ऊपर क्या कर दिया, गोली चला दी। वन ऑफ द बुलेट्स, एक उनकी जो गोली थी उसके ऊपर आके लगी, भीड़ के ऊपर जो लग रही थी गोली इनकी बज रही थी वो किसके ऊपर आके लग गई, हेक्टर को आके लग गई। सो किस दिन का इंसिडेंट है, 30 अप्रैल 1976 का, 30th अप्रैल 1976 का ये जो है इंसिडेंट है, घटना है ये। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, तो जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो इस एपेथाइड
गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी एंड उनका बहुत एक फेमस लीडर जिसका नाम था नेल्सन मंडेला, उसने काफी सालों तक इसके लिए लड़ाई की। एंड अब में 1994 में जो देश था ये साउथ अफ्रीका, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया जिसके अंदर सारे धर्मों के जो लोग थे, अब जितने भी रंगों के लोग थे, काले गोरे सब सब आने समझे जाने लगे। ओके, सो क्या लिखा है, व्हाट वर हैक्टर एंड हिज क्लासमेट्स प्रोटेस्टिंग अबाउट, किस चीज के लिए वो कहते खिलाफ लड़ रहे थे, एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अफ्रीकन लैंग्वेज, सॉरी अगेंस्ट द लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। सो लिस्ट फाइव वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, किस तरीके से कहते हैं कि नॉन वाइट्स थे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, दे हैव सेपरेट बस सर्विसेज, बस रेलवे सर्विसेज, इवन दे हैव सेपरेट बस स्टॉप्स आल्सो, दे वर नॉट अलाउड टू मिक्स विद ईच अदर, being with each other, hospitals were separate, ambulance were well equipped and were used by, were given to the white people, but not for, but these ambulances were not for the black and other communities, excluding white ones. So, the next question, do you think it is important, is it important for all persons to be treated equally? Why? कहते हैं कि क्या ये जरूरी है सब लोगों के लिए equally सामान्य हक treat किया जाए? Yes, it is necessary to treat all people equally. Participation. Why do we have regular elections? कहते हैं elections क्यों होती हैं देश के अंदर? क्यों लोगों को चुना जाता है, leaders, ministers, PM? So you have already read in the previous chapter. आपने last chapter में पढ़ के ही आए हैं कि that people make the decisions in the democracy. जो लोग होते हैं वो democracy, लोकतंत्र राज्य के अंदर क्या करते हैं, फैसले चुनते हैं, फैसले बनाते हैं, करते हैं through the voting in elections. People elect leaders to represent them. क्या होता है voting के जब elections होती हैं तो vote करके लोग अपने नेता चुनते हैं जो उनको represent करते हैं। तो वो चुने हुए जो लोग होते हैं वो फैसला करते हैं कि देश में क्या होगा, किस तरीके से सरकार चलेगी। सो दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। तो क्या लिखा है, कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो फैसला करते हैं लोगों के बिहाफ पे। इन डूइंग सो इट इज अज्यूम दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सो ऐसा करते हुए उनको ध्यान में रखना पड़ता है, लोगों की जो आवाजें हैं, लोगों के मन के विचार जो है उनको कहते हैं अपने रखना पड़ता है। Discuss. Look at some newspapers. कहते कुछ अखबारों की तरफ देखो. Discuss some elections that you may have read about. कहते कुछ elections को discuss करो जो आपने पढ़ी हो. Why do you think elections are required? कहते क्यों सोचते हो कि elections जो हैं वो जरूरी हैं? है ना, after a fixed period जैसे 5 साल के बाद, 6 साल के, 4 साल के बाद elections जरूरी हैं, क्यों ऐसा है? All governments are elected for fixed period. सारी जितनी भी सरकारें होती हैं, कहते कुछ जो टाइम के लिए चुनी जाती हैं, जैसे कि 5 ईयर, 5 साल का प्लान होता है भारत के अंदर, 5 ईयर के बाद उसे इलेक्शंस होती हैं। Once elected, एक बार जैसे चुनी जाती सरकार है, जो गवर्नमेंट कैन स्टे इन पीरियड सिर्फ 5 साल तक ही अपना काम जो है वो सरकार करेगी, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन होंगी। इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर, अगर वो दोबारा से अपनी सरकार खड़ी करनी चाहती है तो उसको दोबारा से इलेक्शन जो है लोगों द्वारा लड़नी पड़ती है। दिस इज अ मोमेंट that when people can sense their part in the democracy. इस तरीके से ये वो कहते हैं मूवमेंट होती है जो लोग जो होते हैं अपनी पावर को यूज करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर अपने लोगों को, इन लोगों को चुनने के लिए। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शंस। सो इस तरीके से कहते हैं कि पावर होती है सरकार की, सरकार को जो पावर दी जाती है गेट लिमिटेड वो लिमिटेड हो जाती है इन रेगुलर इलेक्शन से। मतलब उनको 5 साल के अंदर जो काम करते हैं उसके बाद दोबारा से उनको इलेक्शन जो है वो लड़नी पड़ती है दोबारा सरकार जो है बनाने के लिए। अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग, सो दूसरे और कौन से तरीके होते हैं जिसके अंदर लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years, कहते 5 साल में एक बार इलेक्शंस होती हैं। बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कहते हैं कि वोटिंग के अलावा देयर आर अदर वेज, दूसरे और भी तरीके होते हैं पार्टिसिपेट करने के, ठीक है, सरकार के प्रोसेस में, सरकार के कामों में पार्टिसिपेट करने के और भी कई तरीके हैं। पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कहते हैं लोग क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के काम के अंदर ध्यान देके उसके इंटरेस्ट इंटरेस्ट देके उनके काम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बाय क्रिटिसाइजिंग व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब वो सरकार उनके खिलाफ अच्छा नहीं करती है, लोगों के हित में नहीं करती है, तो लोग क्या करते हैं उसको प्रोटेस्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लाइक स्ट्राइक करके। In August 2005, August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, जब लोगों महंगाई बढ़ गई 2005 में, सरकार ने कर दी थी महंगाई बढ़ा दी, जैसे
लोगों को जो बिजली का बिल पे करना था उसका रेट बढ़ा दिया। पीपल एक्सप्रेस डिसअप्रूवल वेरी शार्पली, लोगों ने बहुत ज्यादा सख्ती से वो पेश आए। लोगों ने सरकार ने जो था अपना कोशिश की अपने पक्ष पूर्ण के लिए अपने डिसीजन को प्रूव करने की कोशिश की, बट फाइनली उनको लोगों के जो कहना था वो मानना पड़ा, वो कम करने पड़े रेट्स एंड विथड्रू द इंक्रीज। सो मतलब कम करना पड़ा रेट्स तो उन्होंने बढ़ा रखा था। दैट गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन, सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। कैन सी हियर न्यूज पेपर, देखो न्यूज पेपर है कुछ यहाँ पर बने हुए, बैन पोस्टर्स हैं, एक्शन लो ना, सो लेटर टू द एडिटर आपके पास पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 38, social and political life. There are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. So, इतने बहुत सारे तरीके हैं कि लोग अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, सरकार को बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। सो दीज इंक्लूड जैसे कि धरना हो गया, धरने लाना, रैलीज हो गया, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, सिग्नेचर कैंप एक्सेट्रा, थिंग्स दैट आर अनफेयर, चीजें अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए, उनके हित में नहीं है, अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड, उनको सामने आगे लेके आया जाता है। न्यूज पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हैं, टीवी है, ऑल्सो प्ले वॉटर रोल, बहुत ही जरूरी जो वॉटर रोल अदा करते हैं वो सरकार के इश्यूज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बयान करने में। Why it is true that a democracy allows people to participate? कहते हैं कि सच है कि जो हमारा लोकतंत्र है वो लोगों को allow करता है participate करने के लिए। It is also true, ये भी सच है कि that not all sections of people are actually able to do so. सारे के सारे लोग जो होते हैं sections करते हैं वो मतलब actually able नहीं है ऐसा करने में। Another way for people to participate is by organize themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. So दूसरा तरीका है कि क्या करना है, लोगों को पार्टिसिपेट करना कैसे अपने आप को, इज बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू सोशल मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं उनके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खुद नहीं अगर करना चाहते हैं, मतलब सोशल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सरकार को चैलेंज कर सकते हैं उनके कामों को, अगर उनको उनके हक में नहीं है, नहीं है तो उनके हक में नहीं है, हित में नहीं है। तो मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि दलित हो गए, आदिवासी हो गए, विमेन औरतें होंगी, अदर्स आर ऑफन एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस मेंबर्स। तो इस तरीके से जो औरतें होती हैं, आदिवासी होती हैं, दलित होती हैं, जो वो इन चीजों में पार्टिसिपेट जो है सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट, कहते हैं अगर लोग जो है एक्टिव हैं, अलर्ट हैं और इंटरेस्टेड इन हाउ द कंट्रीज रन और ध्यान देते कि देश कैसे चल रहा है, तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र का कैरेक्टर है जो हमारी सरकार का, भारत का या किसी देश का, तो अगर उसके पीपल जो है एक्टिव है, अलर्ट है, तो वहाँ पे ये देश बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो द नेक्स्ट टाइम वी सी आर रैली विनिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आवर सिटीज, टाउन्स और विलेजेस, वी शुड पॉज टू फाइंड आउट। कहते हैं अगर आपके आप देखो अपनी गली में, मोहल्ले में या फिर शहर में अगर आप देखो कि रैली निकल रही है, तो आपने रुकना है वहाँ पे और देखना है, वहाँ पे जानो उसके बारे में कि रैली क्यों निकाली गई है। अब न्यूज सुनते हो गए, न्यूज में आजकल आ रहा है बिजली बोर्ड वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने धरना लगाया हुआ है, टीचर्स ने सरकार लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये अलग अलग तरीके से जो है लोग प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के खिलाफ जब उनको अच्छी चीजें नहीं लगती हैं, ठीक है, उनके हित में जब नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, धरना, स्ट्राइक जैसी चीजें जो है वो करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टाइम वी सी द रैली through the windings of the streets of our cities or towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, kis cheez ke bare mein hai and who is participating in it, kis ke andar participate kar raha hai and what they are protesting about, kiske khilaf bol rahe hain, and this will help to give us a scene of how our government works, isse hum pata lag jayega kaise sarkar kaam karti hai. Need to resolve conflict, ab zarurat hai cheezon ko solve karne ki, ye nahi ki ladaiyan karte ho usko badhate ho na, so usko cheezon ko solve karna bhi hai jo hai wo zarurat hoti hai ki us ladai ko khatam kiya jaye, मसले को खत्म किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लेड टू वायलेंस, हम लोगों ने देखा माया की कहानी में कि कैसे जो कई बार क्या हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, डेथ भी हो जाती है ना, हिंसा हो जाती है, और हिंसा में क्या हो जाता है, जो हैक्टर था है ना, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वहां पे गोलियां चलने लगी, उसकी मौत भी हो गई। तो
तो इस तरीके से कहते हैं कि बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड्स दैट इज ऑल राइट टू सी फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, तो कहते हैं कि दूसरा ग्रुप से पुलिस उन्होंने वहाँ पे फैसला कर लिया कि भाई हम गोलियां चलाने लग जाते हैं ताकि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, बट वो गोलियां जो थी उसने कई लोगों की हत्या जो कर दी. Conflicts occur when the people of different cultures, religions, reasons or economic backgrounds don't get along with each other. कहते conflicts वहाँ पे होते हैं जब अलग-अलग धर्मों के cultures के रहने अलग-अलग रहने वाले areas के लोग जो होते हैं या गरीब अमीर अलग-अलग economic backgrounds के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा नहीं होते हैं. और when some among them feel that they are being discriminated against, और जब उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, people may use violent means to settle their differences. So, इस तरीके से हिंसा यूज करके जो लोग होते हैं क्या करते हैं इन डिफरेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. This led to fear and tension among other living in area. उस एरिया के अंदर जो बाकी लोग होते हैं उनके अंदर टेंशन और डर पैदा हो जाता है. गवर्नमेंट जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर हेल्पिंग टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, उनकी फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन सब चीजों को सॉल्व करें. Let's read about some of the conflicts in a society and role of government in resolving them. चलो कुछ conflicts के बारे में पढ़ते हैं और सरकार ने कैसे इनको solve किया उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं हम लोग. So you can see here the Indian Constitution lays down the basic rules and laws that have to be followed by everyone. कहते हैं हमारे देश का संविधान है उसके अंदर basic rules laws दिए गए हैं जो हर एक को मानने पड़ते हैं. ये laws जो हैं दोनों के लिए सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी बनाए गए हैं. Conflicts and differences have to be resolved according to these laws. कहते हैं जो conflicts हैं जो differences हैं उनको resolve करने की जरूरत होती है कि they have to be resolved according to the laws. इन कानूनों के accordingly उनको resolve करना होता है. We will read more about this in later classes. अगली क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Religious processions के जो धार्मिक जैसे हम लोग नगर कीर्तन निकालते हैं ना वैसे, so religious processions and children celebrations can sometimes led to conflicts. कहते हैं इस तरीके से कई बार क्या हो जाता है conflicts हो जाते हैं. For example, the route of procession take may led to conflict. जैसे जो रास्ता जिस तरफ procession जा रहा है शायद वहाँ पे लड़ाई मतलब मसले लड़ाई का मसला बन जाए. The government, particularly the police, play an important role in getting the representatives of concerned communities to meet and try to arrive at the solutions. क्या होता है सरकार पुलिस जो होती है उस पर्टिकुलर जिसने लड़ाई की होती है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया होता है वहां पे उसके लीडर को मिलके इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. At times there is fear, the violence may erupt. इस तरीके से कहते हैं डर भी होता है कि हिंसा ना हो जाए. With people throwing stones or trying to disrupt the procession. लोग क्या करते हैं दूसरे धर्म के लोग उस procession के ऊपर क्या करेंगे पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे या उसको procession को disturb करने की कोशिश करेंगे. Police is responsible for ensuring that violence doesn't take place. पुलिस जो होती है ध्यान रखती है कि वहाँ पे violence हिंसा ना हो. Rivers कहते हैं नदियाँ जो होती हैं वो भी एक कारण बन जाती हैं दो states के बीच में conflict का. रिवर में बिगन इन वन प्लेस शायद एक रिवर है वो एक जगह से एक स्टेट से शुरू हो रही है दूसरे स्टेट में जाके वो खत्म हो रही है. ठीक है एक स्टेट में जैसे शुरू हो रही है दूसरे स्टेट में वो बह रही है तीसरे स्टेट में जाके वो बंद हो रही है ऐसे भी हो सकता है. ठीक है तो रिवर में बिगन इन वन प्लेस फ्लो थ्रू अनदर एंड एंड इन द थर्ड स्टेट. सो द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस दैट द रिवर गोस थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो पानी को यूज करना जो अलग 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 स्टेट्स के अंदर है इसी एक ही नदी का पानी उसको यूज करना वो भी एक इशू बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो कावेरी नदी का डिस्प्यूट है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में. कहते वाटर जो है कहते स्टोर किया जाता है वाटर स्टोर इन कृष्णा नगर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरीगेशन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ सिटी ऑफ बैंगलोर. सो क्या लिखा है कहते हैं कि जो पानी है कृष्णा नगर का सॉरी पानी जो है अपना कावेरी नदी का उसको यूज किया जाता है स्टोर किया जाता है कृष्णा नगर डैम के अंदर कर्नाटका के अंदर जो काफी खेतों में सिंचाई करता है जिलों के अंदर और काफी जिलों के अंदर एंड बैंगलोर के जो सिटी है उसकी जरूरतों को पूरा करता है. Water stored in a meter dam in Tamil Nadu is used for crops. So meter dam के अंदर कहते हैं जो Tamil Nadu है वहाँ पे भी dam है meter dam नाम से. So वहाँ पे कहते पानी जो store किया जाता है is used for crops grown in the delta region of that state. ठीक है delta region state के अंदर फसलों को कहते हैं use किया जाता है वहाँ पे पानी. The conflict arises because both dams are in the same river. So conflict जो है वो शुरू हुआ है लड़ाई शुरू हुई जंग शुरू हुई है उनके बीच में लड़ाई के जो डैम्स हैं जो रिवर्स हैं रिवर जो ये वाला है अलग अलग डैम्स
जो है यूज कर रहे हैं एक नदी के ऊपर, डाउन स्ट्रीम डैम जो है इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप, ये सिर्फ तभी भर सकता है तमिलनाडु का कहते हैं जो डैम है तभी भर सकता है अगर ये इधर से पानी जाता है, तो वहां से कर्नाटका से जब पानी जाएगा तो तभी वो भरेगा जाके, देयरफॉर बोथ स्टेट्स कांट गेट एज मच वाटर एज दे नीड फॉर, तो दोनों स्टेट्स को कहते हैं उतना पानी नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए होता है अपने लोगों को जरूरतों को पूरी करने के लिए, तो इस तरीके से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, सो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहते आगे बढ़ना पड़ा इस मसले को देखने के लिए दोनों स्टेट के बीच में जो है। इक्वालिटी एंड जस्टिस, सो कहते हैं कि इक्वालिटी एंड जस्टिस वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। सो क्या लिखा है, एक और जरूरी चीज क्या है, इक्वालिटी एंड जस्टिस, लोगों के साथ कितने सामान्य असमानता होनी चाहिए, लोगों के अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे हम पढ़ के आए हैं लोगों से साउथ अफ्रीका के अंदर भेदभाव होता था लोगों के साथ, उनको जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए। देखिए क्या लिखा है, डिस्कस इन माय स्टोरी डिड द गवर्नमेंट सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, क्या वहां पे सरकार ने जो था इस आइडिया को सपोर्ट किया था, लोग सारे इक्वल हैं, काफी सारे प्रोटेस्ट करने के बाद आना है ना आपके प्रोटेस्ट, तो काफी वन ऑफ द फेमस लीडर्स जो मंडेला थे उन्होंने काफी ज्यादा जो स्ट्रगल की थी काफी लंबे सालों तक, काफी सालों तक, और 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका को जो थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने का हक मिला था। सो इन डॉक्टर अम्बेडकर स्टोरी, जो डॉक्टर अम्बेडकर की स्टोरी थी, डिड द प्रैक्टिस ऑफ अनडिसेबिलिटी सपोर्ट दैट बाय, जो वहाँ पे लोग अनडिसेबिलिटी कर रहे थे, शोषण कर रहे थे दलित लोगों के साथ, क्या वो आइडिया था कि वहाँ पे मतलब लोग जो इक्वल है ना, तो वहाँ पे काफी स्ट्रगल करनी पड़ी थी डॉक्टर अम्बेडकर को, कई लोगों को, ताकि इस चीज को खत्म किया जा सके। The earlier practice of untouchability is now banned by law. कहते आज जो इस जो प्रथा है untouchability की, इसको सरकार के द्वारा ban जो है वो किया गया है, law कानून के अंदर constitution के अंदर इसको ban किया गया है। This group of people were denied education, transport of medical facilities and even the chance to offer prayers. कहते इस जो इस ग्रुप के जो लोग थे उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनको मना किया जाता था तुम लोग नहीं पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाती थी, और इवन उनको मंदिर मस्जिदों के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमने पढ़ाई थी चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर्स में, and many others like him, उसके उनके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं the life that such practices may not continue, that justice can only be achieved when people are treated equally. justice तभी हम लोग ले सकते हैं, अगर लोगों को justice तभी मिल सकता है, न्याय तभी मिल सकता है अगर लोग जो है कानून की नजर में इक्वल है तो। The government also recognizes this. So, सरकार ने भी इस चीज को देखा परखा and makes special provisions for groups within society that are unequal. For instance, in our society there is a general tendency to value and care for the boy child than the girl. So, हमारे समाज के अंदर भी कहते हैं एक ऐसी प्रथा है कि ज्यादा लड़के से लड़की से ज्यादा जो लड़का होता है उसका ध्यान दिया जाता है। This means that society does not value the girl. इसका मतलब है लड़की का बहुत ज्यादा value नहीं है, boy child equally, that is unjust. So ये अन्याय है जब उन दोनों को सामान्य नहीं माना जाता। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. Thus, it is possible that fees for girls must be waived or lowered in government schools policies. So, बेटा यही कारण है कि जो लड़कियों की फीस होती है जैसे वो माफ की होती है या फिर कम की होती है सरकारी स्कूलों में कॉलेज के अंदर, ताकि लड़कियां जो है वो पढ़ सकें। So this is your chapter number 4.